पलटी मुंडे देखिए, मुंडे देखिए, देख रहा है, देख रहा है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मुर्गा है, इसको काट लिया था। ऐसा मंजर दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है, स्थितियां परिस्थितियां हो जाती हैं। भैया सब लोग आ गए हैं कि नहीं? आ गए सर। चलिए फिर शुरू करते हैं। भैया है वहीं पे, कहाँ है सांप? आई चलिए चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। इसमें है? अच्छा पहले ये वहीं था ना, वहाँ पे उठा के यहाँ पे लाए हैं। फोन किसने किया था? अच्छा आपने किया था। क्या नाम है आपका? थाना गंभीरपुर। अच्छा अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट है आजमगढ़। इसमें कितनी मुर्गियां भरी भैया? थोड़ा सा बाबू शांत रहे आप। इसमें दो मुर्गी रहती थी, एक मुर्गा था एक मुर्गी, दोनों सब बज गई, मुर्गा खत्म हो गया। मुर्गा खत्म हो गया। मुर्गा कितना वजन था वो? लगभग होगा एक डेढ़ किलो, एक डेढ़ क्विंटल का। अच्छा किलो। तो दोस्तों हम लोग एक बार फिर से आ चुके हैं, ये आजमगढ़ की पावन सरजमी है। आपको तो मैंने बताया है, बहुत सारा आशीर्वाद यहाँ से मुझे मिलता है। ये दोस्तों छोटी सी, इसको हमारे गांव में मुर्गी का दरबा बोलते हैं। तो भैया ये कब देखा गया था? अच्छा सुबह 5-6 बजे। अच्छा अच्छा, बहुत छोटा है क्या? पता है हमको लग रहा है भाग तो नहीं गया क्या? पलटिए, कितना बड़ा था वो? बहुत बड़ा था। वहाँ ले चले दरवाजे क्या? उठा ले चलो भैया, तुम आराम से, डरिए नहीं। बस ये बस बस पलटी भी एक बार सीधा करिए इसको, किनारे किनारे से। हाँ हाँ पलटी, देख रहा है। है। ऐसी जगह बैठा है कि दिखाई जल्दी देगा ही नहीं किसी को। भैया एक बार हम लोग कमो करेंगे आप लोग। हाँ भैया थोड़ा पीछे रहिए। ये आ गया नीचे, नीचे से भी आ सकता है, खुला है दरवाजा, बंद है, अच्छा ऊपर है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। एक दोस्तों या इसके अंदर परिवार रहते थे। भैया एक बार थोड़ा शांति बना लीजिए। तो दोस्तों इसके अंदर एक छोटा सा परिवार रहता था और एक परिवार उजड़ गया। मालिक इसकी आत्मा को शांति दें। एक दोस्तों मुर्गा था और एक मुर्गी थी। ये हमारे भारत का एक ऐसा सांप है दोस्तों, जिसको हम इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहते हैं। वैसे इसे भारतीय नाग भी कहा जाता है हिंदी में, और अलग अलग दोस्तों स्टेट में अलग अलग इसका नाम है। बगैर दबे, बगैर छेड़छाड़ किए किसी को भी ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, इसी प्रकार से ये किसी को भी काटता है। जब इसके साथ कोई छेड़छाड़ होता है, कोई बदतमीजी होती है, तभी जा करके। तो ये रात के अंधेरे में हालांकि टहलता है, यहाँ पर ये मुर्गी का दरबा रखा हुआ था। इसके अंदर ये सांप इसलिए प्रवेश किया, कभी कभी दोस्तों मुर्गियों के छोटे छोटे अंडे बच्चे घोंसले को भी अपना निवाला बनाता है
और ये उसी को खाता है। चूहा नहीं मिलता है तो मेंढक से भी काम चलाता है और बारिश के महीने में ये सीधा दोस्तों घर में प्रवेश करता है। तो घर में आप थोड़ी साफ सफाई रखिए। तो इसलिए दोस्तों इसको यहाँ से निकाल के लेके चलते हैं काफी दूर जंगल झाड़ियों में, जहां पर घर परिवार ना हो वहीं पर इसको इज्जत के साथ छोड़ देते हैं। और एक तो दोस्तों मर चुका है, लेकिन ये दोस्तों परिवार तो परिवार होता है, वो चाहे पंछियों के हो, चाहे जीव जंतुओं के हो, चाहे इंसानों के हो, किसी का भी परिवार हो। अगर दोस्तों आज ये किसी इंसान के साथ हादसा होता तो बहुत बड़ी बात होती। चलिए इसको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उनके दिल दिमाग की जो मिजाज है वो धड़क रहा है इसको सिर्फ देखने के लिए कि बाहर कैसे निकलेगा और हम इसको देखेंगे कैसे। ये बहुत देर हो रहा है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये मुर्गा है, इसको काट लिया था। ऐसा मंजर दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ हो जाती हैं। एक मिनट से पहले मुर्गा निकाल देते हैं। तो दोस्तों इसको आप देखिए, ये जो है इसको बाइट तो कर दिया, लेकिन ये इसको अपना निवाला नहीं बना सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा जीव है। इसको ये काटा होगा खाने के लिए, लेकिन ये इतना बड़ा जीव है इसको ये खा नहीं पाया। इसके काटने के बाद 30 से 40 मिनट का टाइम रहता है इंसानों के पास। भैया ये जो इसके फन के पीछे आप देख रहे हैं, स्पेक्टिकल मिल से होता है चश्मा, और चश्मे के आकार का बना है इसलिए इसका नाम स्पेक्टिकल कोबरा है। फन के पीछे है ना। अच्छा इसको यहाँ क्या कहते हैं, गेहूमन कहते हैं क्या? सांप कहते हैं। चलिए दोस्तों इसको तो हम पैक कर देते हैं झोले में। हालांकि दोस्तों यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जो जीवों को बचाने के लिए, तमाम जीवों को बचाने के लिए हमको याद किए। चलिए दोस्तों इसको हमने पैक कर दिया झोले में, तो ये हो गया दोस्तों। एक बहुत बड़ी बात ये दोस्तों, जब भी अगर ऐसा सांप काटता है तो सीधा आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, तो ऐसे में सांपों से खतरा बहुत ज्यादा बना रहता है। अपने भारत में हर साल 50 से 60 हजार लोगों की मृत्यु हो जाती है सिर्फ सांपों के काटने से, जो जड़ी बूटी झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में उनके प्राण बच नहीं पाते। इस वीडियो को दूर तक शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय। भैया इसको रख दीजिए और इसको कहीं पैक दफनाइए मिट्टी में।